बैठी बैठी अरे ओ लाडली बेटी आई बाबा बर्तन साफ करने के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। अरे मेरी लाडली बर्तन मैं धो दूंगा, तू ये खिलौना शौकत की दुकान पे दिया और उससे 15 रुपए लेती आना। रुपए लेकर तो से दाल रोटी और अपने लिए इमली लेती हूँ बाबा। अरे इमली मत खाया कर, गला खराब हो जाता है। गला खराब होता तो हो जाए, मुझे कौन सी पकवानियाँ गानी है। क्या मजाल है जो मोहल्ले के लड़के इमली चाट वाले को चौखट से हिलने दे और मैं खिलौनों के पैसे लेकर भी ना इमली खाऊं। क्यों ना खाऊं, बस मैंने कह दिया मैं इमली खाऊंगी। अच्छा मेरी रानी खा लेना, तेरी हर बात मानी जाए, तेरी हर खास बुरी हो, तीनों की तो बस इतनी सी जिंदगी है। लेकिन ज्यादा इमली मत लाना, बहुत नुकसान वाली चीज है। मुझको भी देना हकीम जी। एक आने की इमली मुझे भी देना हकीम जी। अरे देखता हूँ बच्चों, सब्र करो जरा, दम तो लो, सबको देता हूँ। इमली खाओ, मेरी जान मत खाओ। वो लगाऊंगी तुझे कि सारी शान और अमीरी निकल जाएगी तेरी। क्यों तोड़े हैं मेरे खिलौने? अरे बाबा तुम तो कुछ सड़क के दरमियान आ गई थी और इतनी तेजी से मुड़ी। हाँ, इतनी तेजी से मुड़ी। सड़क तुम्हारे बाप की है क्या? बड़े आए हैं गाड़ी में बैठकर मेरे खिलौने तोड़ने वाले। निकालो 15 रुपए, नहीं तो मैं तुम्हारी मोटर तोड़ूंगी। अरे नहीं नहीं, 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 नहीं मोटर तोड़ती हूँ। ये लो 15 रुपए, ये लो। 15 रुपए नहीं, 15 रुपए नहीं, 16 रुपए लूंगी, मुझे चोट भी लगी है। अरे बाबा रोती क्यों, ये लो और लो लो। अरे बच्चों तुम लोग इमली तो कम खाते हो और परेशान ज्यादा करते हो। क्या रुक रुक कर इमली बेचता है कमबख्त, नाम हकीम, और बच्चों को बीमार करने के लिए इमली और चाट बेचता है। अरे लाडली तू तो मेरी निकाल 5 रुपए की इमली, आज महीने भर का राशन लेकर जाऊंगी। ले पकड़ कठी ले जा। क्या छुपा रही हो लाडली बेटी? कुछ नहीं बाबा, वो पैसे में ले आई, ये ले पूरे 15 रुपए हैं। मेरी बात का जवाब टाल गई है। नहीं तो तूने कौन सी बात पूछी थी? इधर हट, ये बात एक कहाँ से लाई होती थी इमली? वो दरअसल बाबा वो सच सच बता, नहीं तो चुटिया काट लूंगा। अरे इतनी सारी इमली के पैसे तूने कहाँ से दिए? वो बाबा वो मिला थे एक मोटर वाला। तूने मोटर वाले से पैसे दिए थे? अरे नहीं बाबा, मेरी टक्कर हो गई थी उसकी गाड़ी से, सारे खिलौने टूट गए और उसने डर के मारे 15 के 20 रुपए दे दिए। चाचा जान जरा ध्यान से कदम रखना बरखुरदार, तुम्हारी अम्मी का पारा 110 डिग्री पर पहुंच चुका है। किस बात पर चाचा जान? भाई तुम्हारा इंतजार हो रहा था, कोई शादी ब्याह की बात चल रही थी तुम्हारी। मेरी शादी की बात याद ना कह रहे चाचा जान? हाँ कुछ ऐसा ही मसला था। आदाब हमेशा। आदाब बरखुरदार, जीते रहो और अपनी माँ को जिंदगी भर इसी तरह परेशान करते रहो। जी अम्मी सर, समझा। छोटे से हो नादान हो ना, कुछ नहीं समझते। वो लड़की वाले 2 घंटे तक तुम्हारी राह देख कर गए हैं और तुम अब आ रही हो, जब मैंने तुम्हें टेलीफोन पर जल्दी आने को कहा भी था। जी मैं तो कब का आ गया होता, वो दरअसल आज फैक्ट्री में लेबर प्रॉब्लम बन गई होगी। जी हाँ चाचा जान, जबरदस्त लेबर प्रॉब्लम थी। हाँ हर रोज नई प्रॉब्लम, नया बहाना। अरे मुझे ये बता लड़के, जब भी तेरी शादी ब्याह की बात की है तो बात को टाल क्यों जाता है? तुमने लड़की वालों को वो परेशान किया, वो परेशान किया। अम्मी जान उनकी परेशानी का कोई तुम्हें ख्याल है तो तुमने फिर बुलवा लीजिए। लो फिर बुलवा लीजिए, अब वो नहीं आएंगे, कल शाम हमें जाना पड़ेगा। मैं लड़की को देख लूंगी, वो तुम्हें देख लेंगे। अब देखे ना अम्मी जान, कल शाम मैंने कुछ दोस्तों को पकड़ो ना, हर कीमत पर कल तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अरे ओ बिंदिया, जी आई मैम।
थर्सडे नाइट है और वैसे भी क्लब में सब दोस्त जमा होंगे। कोई और डेट रख ले मम्मी। शरीफ घरानों में तारीखें बार बार नहीं बदली जाती बेटी। ओहो मम्मी, मेरी हो रही है या आपकी? किसी के आने जाने का प्रोग्राम मुझसे पूछे बगैर एडजस्ट ना किया करे। कम ऑन रोजी, बाय। बड़ी मुश्किलों से रिश्ता मिला है बेगम साहबा, बेटी को रोक ले। अब मैं उनसे क्या कहूंगी कि कल वो क्लबों में घूमने जाएगी अपने दोस्तों के साथ? क्या बताऊं रसिया, इसके मरहूम बाप ने मगरबी तरबियत से बेटी को तबाह कर दिया है। खुद तो मर गए और बेटी का मिजाज इतना खराब कर गए कि इसे अपने रस्म और रिवाज एक आंख नहीं भाते। मेरा तो दिन रात कलेजा जलता रहता है। तो फिर मुझे बताइए, अब मैं उनसे क्या कहूं? कल के लिए उनको रोक दो, किसी दिन जाके मैं खुद बात पक्की कर लूंगी। चलिए ठीक है, कल शाम के लिए उन्हें टाल देती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। रोजी बता रही थी तुम्हारी कोई एंगेजमेंट वगैरह की बात चल रही। हाँ चल रही है, लेकिन मैंने अभी तक कोई सीरियसली फैसला नहीं किया। इसका मतलब है जिस दिन तुमने सीरियसली फैसला कर दिया हमारी मोहब्बत का नशा उतर जाए। ओफो जी, तुम तो दो पैर पीकर टिप्सी हो जाते हो। ना जाने मंगनी होगी भी या नहीं, मैं तो अभी तक अपने लॉस से भी नहीं मिली। रोजी की बच्ची ने खामा खा ये खबर उड़ा दी। सुनी थी उड़ा दी, जिस तरह ये उड़ा दी है। तुम नाराज होकर अपने सैटरडे नाइट को खराब करते हो। कम ऑन, कम ऑन। आज मत कुछ सोचो, आज मत कुछ सोचो, क्या रंग है क्या राय। Let's enjoy, let's enjoy Saturday night। जो है प्यार के दुश्मन, जो है प्यार के दुश्मन है उनसे हमारी पाए। Let's enjoy, let's enjoy Saturday night। आज मत कुछ सोचो, क्या रंग है क्या।
बेगम साहबा, ये बात फिर किसी दिन पर उठाए देते हैं, फिर किसी दिन। जाने ये मामला हर बार तवील क्यों होता जाता है। अरे बुआ, फिर किसी दिन की बजाय उनसे कहो कल परसों ही कोई वक्त रख लें। हाँ हाँ बुआ रजिया, दरअसल हमें इस मसले में बहुत जल्दी है, बहुत ही ज्यादा। हाँ बुआ, उनसे कहना लड़का लड़की देखने की बजाय अब शादी का फैसला करें। जी बहुत बेहतर, यही कहूंगी। बैठो बैठो, मैं तुम्हें भिजवा देती हूँ। अरे ओ बिल्लिया, जी साहब, कौन सी मैंने चाबी की अलमारी? अरे कमबख्त, इंसान भी अलमारियों में बंद होते हैं। जाओ ड्राइवर से कहो रजिया बीबी को इनके घर पहुंचा। जी ड्राइवर वाली चाबी? अरे उसकी चाबी उसके पास होगी, जा दूर हो जा। आओ बीबी जी। अच्छा बेगम साहब, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। कमबख्त नालायक, हर बात में चाबी लगाती। आज आप भी मेरे खिलाफ बातें बना रहे थे, किस सिलसिले में चचा जान? भाभी जान को खुश करने के लिए खुशामद कर रहा था। और मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए बला तो टली। बेटे, ये बला तो एक ना एक दिन गले पड़ेगी, कब तक बचोगे? सुनो, हर मर्द के लिए बीवी की अदालत में बेड़ियों समेत पेश होना लाजमी अमर है। और आपके लिए? भाई हमारी और बात है, हम तो ठहरे अपाहिज। पुराने जख्मों को कुरेदते हो। ओ आई एम सॉरी चचा जान, मुझे माफ कर दीजिए। चलो कर दिया माफ। चचा जान, अम्मी को मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों है? भाई उन्हें एक पोते की जरूरत है, एक नन्ना मुन्ना खिलौना जो सारी जायदाद का वारिस होगा। तुम जानते हो तीसरी पुश्त में तुम्हारी माँ पहली औरत है जो दादी बनेगी, वरना सबको नानी बनना नसीब हुआ। बस ये नन्ना मुन्ना सा खिलौना, ये बबुआ तुम्हारी जल्द शादी की वजह है, सो ला दो उन्हें। अरे कमाल है चचा जान।
अल्लाह से दुआ है इतने पैसे बन जाएं कि तेरे हाथ पीले कर दूं। मुझसे ऐसी बातें क्यों करते हो बाबा? दिल दुखी हो जाता है मेरा। किस बात पर? शादी के बाद तुझे छोड़कर जाना पड़ेगा ना। अरे पगली, मैं शादी उसी से करूंगा जो घर दामाद बन सके। तेरे बिना इस दुनिया में कौन है मेरा? तेरा ब्याह हो जाने पर इस वीरान से घर की रुचि ही बदल जाएगी। अरे बिंदिया, तेरी तो रुचि बदलती जा रही है, दिन बदल। अरे मालिश कराई जा चुप करके, काहे डांटती है बेटी को तू धोबन की धोबन। तू मालिश कराई जा चुप करके। मैंने क्या किया है चाची? मेरे चाचे पे रोब डाल डाल कर तेरा जी नहीं भरा जब मेरे पीछे पड़ गई है। अरे मेरी प्यारी जौजा, जवान हो के तो जानवरों के बच्चे पर पुर्जे निकाल लेते हैं। बिंदिया ने गेटअप सेटअप कर लिया है तो क्या हुआ, शायद कोई अच्छा दामाद फंस जाए। दामाद? हाँ। क्या कहा दामाद? अरे मैं तो इसकी शादी अपने भतीजे जुम्मन के साथ करूंगी, बस आज ही उसे खत लिखकर बुलवाती हूँ। अरे कोई ऐरा गैरा नहीं, जुम्मन कटारी का बेटा है, कटारी का भतीजा। आए सदके जाओ मेरी प्यारी कटारी, मेरी लाची सिपारी। ये कौन आ गया है मेरे प्यार का दुश्मन? दुश्मन मेरी दोस्ती को तरसे। अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हजरात। वालेकुम अस्सलाम, यहाँ खैरियत है और तुम्हारी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूम हूँ। तुम सवाल ये है कि क्या है, क्या बात है? ये मोटा दिन में 5 बार घंटी बजाता है, इससे पूछो ये कौन है और यहाँ क्यों आता है? क्यों बे लेटर बॉक्स, तू यहाँ क्यों आता है, किस लिए आता है, किसने भेजा है, तुझे क्यों भेजा है, क्या मकसद है तुम्हारा? मकसद मैं बताता हूँ, मेरा नाम छपराती है, मैं डबल रोटियाँ बेचता हूँ। यहाँ जो साजन मंजिल है वहाँ डबल रोटी और अंडे देता हूँ। अबे ओ डबल रोटी की औलाद, तू अंडे देता है और वो भी गैरों के घर, घंटी हमारे घर और डबल रोटी साजन मंजिल पर। जितनी मर्जी ले लें जी, आपके पास पटाखा ही ऐसा है मैं घर बार लुटा सकता हूँ। एक, दो, तीन। चाची, अरे चाचा बेगैरत हो जाए तो चाची ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। खबरदार जो तूने मेरी होने वाली बहू की तरफ आंख उठा कर भी देखा, चल लड़की आज इतार देकर जुम्मन को बुलाती हूँ किराशी से, देखती हूँ कैसे निशाबी होगी। आप कहें जी कितने कतर कतर कर रही है। If she don't mind बरखुरदार, इसका दिमाग खराब है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा तो डबल उठने और दे। अच्छा ए, ये लो चाचा थाली ले लो। तू इसे शादी करना चाहता है? अच्छा चाचा, लाडली बेटी। जी बाबा। ये खिलौने शौकत की दुकान पे दिया और आधी दफा सौदा सर्फ ले आना, कल से आटा बिल्कुल खत्म हो गया। इतने दिन हो गए दाल खाते हुए, आज गोश्त पकाएंगे बाबा। अरे बावली, खाने पीने की चीजों में कमी तेरी चीजों के लिए करता हूँ। 5-5 रुपए बचाकर महीने भर में 20-25 की कुछ चीज आ सकती है। बस मेरी चीजों का नाम लेकर मेरा मुंह बंद कर दिया, नहीं खाते बोल, दाल ही खा लेंगे। अच्छा मेरी रानी नाराजगी होती है, चल ले आना गोश्त। सच बाबा, तू कितना अच्छा है बाबा, मेरी हर बात कितनी जल्दी मान लेता है। इसके वापस आने तक मैं रेशमा के घर से ही घुमाऊ। अरे दीनू भाई, तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढूंगी कि तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। तू तो जानती है रेशमा बहन कि मेरी सारी जिंदगी खिलौने बनाते गुजरी है। खिलौना टूटने पर जो दुख खिलौना बनाने वाले को होता है मैं ही जानता हूँ। बस कुछ ठीक ही लड़का ढूंढना रेशमा बहन। तुम फिक्र ना करो दीनू भाई, तुम्हारे तो दिन फिर जाएंगे। और हाँ, वो घर दबाद वाली बात ना भूलना। तुम तो जानती हो मैं लाडली को घर से रुखसत नहीं कर सकता, उसके सिवा मेरे दुनिया में और कोई नहीं है। आज वो मोटर वाला फिर मिल जाए टुकड़ा जान बूझ कर गिरा दूंगी,
से तो इजाजत तो मिल जाएगी। खिलौने तोड़ दिए तूने, निकाल मेरे 20 रुपए। अरे तुम्हारे खिलौने मैंने तोड़े क्या? और नहीं तो क्या, मैंने खुद गिराए हैं। मैं डर गई थी तेरी मोटर देख, निकाल मेरे 20 रुपए। अच्छा बाबा ये ले 20 रुपए और रोना बंद करते। ये ले ए, सुन क्या है। तू हर रोज खिलौने तोड़ने कितने बजे निकलती है? तोड़ने नहीं, मैं खिलौने बेचने जाती हूँ। अच्छा अच्छा, खिलौने बेचने कितने बजे जाती है? तेरा मतलब? अब मेरा मतलब है तू मुझे निकलने का वक्त बता दे, मैं वहाँ पहुँच जाया करूँगी, तेरे खिलौने बिक जाया करूँगी। खाम खा तुझे इतनी दूर से चल के आना पड़ता। तेरा मतलब है कि मैंने जान पूछ कर? अरे नहीं नहीं, देख मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत खौफ आता है, माफ कर दे। ए सुन, खिलौने तोड़कर इतराने क्यों लगा है? एक काम है तुझसे। कैसा काम? एक खूबसूरत सा मिट्टी का बब्बा तो बना दे। तू क्या करेगा? बस जरूरत है। किसको? मेरी अम्मी को। अरे इस उम्र में तेरी अम्मी बब्बा से खेलेगी क्या? बस कुछ ऐसे ही चक्कर है, बोल बनाकर ला देगी ना, नहीं तो मेरी शादी हो जाएगी और मैं भी शादी नहीं करना चाहता, अपनी पसंद की लड़की तलाश कर रहा हूँ। चल चल, मुझसे ऐसी बेशर्मी की बातें मत कर। ये ले अपने 20 रुपए, मैं अपने टूटे हुए खिलौने ले जाऊंगा। अरे तू तो नाराज हो गई, माफ कर देना। ये दे। क्या नाम है तेरा? लाडली। वो तो खैर तेरी आदतों से लगता है। आदतें मेरी अपनी है, अच्छी या बुरी, तुझे इससे क्या? मुझे क्या लगे भाई, दरअसल वो मुझे तेरी आदतें अच्छी लगी है और तू भी अच्छी लगी है। क्या कहा? कुछ नहीं, बस अच्छी लगी है। मिट्टी के खिलौने बेचने वाला जानदार खिलौना। पेस्ट्री, तू मेरे दिल की पेस्ट्री है बिंदिया, जी चाहता है तो मैं इस डिब्बे में बंद करके गली गली बेचता फिरूं। अपने आप को गलत की चाबी लगा बेगैरत कुलचे, तू मुझे गली गली बेचेगा? वो जबान लड़खड़ा गई, दरअसल दिन रात डबल रोटियां बेच बेच के मुहावरा ही उल्टा हो गया। उल्टे मुहावरे बोलने की बजाय अपने घर वालों को शादी का पैगाम देकर भेज, वरना चाची जुम्मन को कराची से बुलवा कर तेरे पेस्ट्री को पराया बना देगी। नामुमकिन, तू मुझे जुम्मन की तस्वीर और रजा पता बता दे। पर मैं भी शादी नहीं करना चाहता, अपनी पसंद की लड़की तलाश कर रहा हूँ। उसने ये सब बातें मुझसे क्यों कही? अरे पगली, उसने कहा था तू उसे अच्छी लगी है, वो तुझे पसंद करता है, मगर वो तो बहुत अमीर आदमी है, मोहब्बत अमारत और गुर्बत को नहीं देखती। Thank you.
बेचने वाली लड़की पसंद आ गई है और उससे शादी करना चाहते हो? नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। अब अमीरा से बात तो कीजिए चले जाते। उन्होंने माली की बेटी से हमें शादी करने की इजाजत नहीं दी थी और खुदकुशी की कोशिश में तुम्हारा चाचा अपनी टांगों से महरूम हो गया था। ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दो बेटे। इस घर के लोग अपने दिल में गरीबों के लिए कोई जज्बा नहीं रखते। इस साहब को यहीं बुझा दो बेटे, वरना माँ जी की कहानियां फिर से दोहराई जाएंगी। इस आग को यही बुझा दो बेटे। आग जलाकर सालन तो गरम कर दे बेटी, दो लुकमे खा लूं। ठंडा ही खा ले बाबा, मैं बबुआ के लिए मिट्टी भूल रही हूँ। बस तू सब काम छोड़कर आज से बबुआ बनाना शुरू कर दे, एक तो रोज में बन जाएगा ना। एक दो रोज नहीं, ज्यादा दिन लगेंगे। जब आपने लड़के को देखे बगैर हाँ कर ली तो फिर देर किस लिए? रईसा बहन, बेटियों का रुखसत करना कोई आसान बात नहीं। अरे सफिया दीदी, खैर से गोटे किनारे तक मुकम्मल है आपकी तरफ से। अब आप बेगम साहबा की बात मान लीजिए, नेक कामों में देर नहीं करनी चाहिए। बस ठीक है, फैसला हो गया। आज से चार रोज बाद मैं बारात लेकर आऊंगी और अपनी दुल्हन को ले जाऊंगी। बताइए, मंजूर है ना? अरे इन्हें तो इतनी जल्दी है कि इन्होंने नाला बेटी को देखने की जरूरत ही महसूस नहीं की। अब आप भी हाँ कर लीजिए तो ठीक है, फिर आप बारात ले आइए। तेरी बातें सुनते सुनते ये दिन आ गया है। बस मैं शादी का दिन दे आई हूँ, आज से चार रोज बाद तेरी बारात है। ओ बिंदिया, जा सुनार को बुला कर ला। ये सुनार की चाबी तो मेरे पास है ही नहीं। अरे तेरे पास तो सारे जहान की चाबियाँ होंगी। जा सुनार और दर्जी को बुला कर ला और मुंशी से कहना कि आकर कामों की लिस्ट ले ले, काम ज्यादा वक्त कम। अरे जाम हो गया, देख रही है? अम्मी जान, खुदा ने इतना तो सोचे कि ये जबरदस्ती की शादी जिसमें न मेरी पसंद शामिल है। क्या बकता है लड़के, तुम मेरी पसंद को ललकारता है। हमारे यहाँ शादियाँ हमेशा बुजुर्गों की मर्जी से हुई है। तो क्या तू अपनी पसंद से किसी कुनान या मालिन को ब्याह कर लाएगा? और तू समझता है मैं तेरी पसंद पर अपने खानदान की इज्जत को कुर्बान कर दूंगी? बस
जो कुछ मैं कराई हूँ वो होकर रहेगा। चाचा जान, अभी खामोश हो जाओगे तो सदमे जवान नहीं होंगे, बर्दाश्त कर लो बेटे, नहीं तो अस्पताल का कमरा आबाद हो जाएगा। चाचा जान, बस शहनाइयों की आवाज में अपने दिल की धड़कनों को दफन कर देना, यही बेहतर है इस घर के लिए। नासिर बेटे, हमारी जरूरत तुम्हारी औलाद और इस घर का वारिस है। अपनी खुशी में गुम, अगर हमने तुम्हें नाराज भी कर दिया है तो माँ को माफ कर देना बेटा। बेटे की शादी के मौके पर माँ के दिल से खुशियों के खजाने फूट पड़ते हैं। आज हमारी खुशी का दिन है और तुम चुपचाप हंसो बेटे, हंसो नासिर। हंस तो रहा हूँ बेटा। बरसों बाद इस घर में वही कहानी दोहराई गई है। चाय आने की दही दे दे, मीठी नहीं खट्टी। तुम दही को खट्टी कहकर मेरी दुकानदारी खराब करेगी लाडली, इससे तो बेहतर है कि चाय आने की इमली ले जा। इमली? इमली का नाम मत ले, नहीं मेरी नीयत बदल जाएगी। बाबा पहले ही नाराज रहता है। अरे बड़े बंगले में बारात आ रही, चलो बारात लूटे। बारात? जरा प्याले का ध्यान रखना, मैं अभी आई।
कलरफुल नाइट में ये बेरुखी, इतना जुल्म तो ना करो। डोंट बी सो क्रूएल। तुम्हारा पैगाम मेरा फौरन चला। रेशमा बहन, कोई बात बनी? बिल्कुल बनी। एक लड़का मिला है, बिल्कुल अकेला, ना कोई अजीज ना कोई रिश्तेदार। 20 रुपए रोज का कारीगर है, 5 वक्त का नमाजी और परहेजगार। मैंने गुर्बत में भी अपनी बेटी को फूलों के पालने में पाला है रेशमा बहन। और लड़के के मुंह से बातें नहीं, फूल झड़ते हैं फूल, लेकिन हक में है 32 रुपए बांधेगा। बेटियां देकर बेटे बनाए जाते हैं, मैं हक में देकर क्या करूंगा उसका कामकाज? ए देखा भाला है मेरा। और सूरत? चांद है चांद, तस्वीर साथ लाई हूँ, ये देखो। मैं देखकर क्या करूंगा, वैसे ही बेटियों के सुहाग तो जमाने भर से अच्छे ही लगते हैं बेटियों वालों को। बस तेरी तसल्ली है तो आज से 8 रोज बाद शादी की तारीख रख ले। लड़के वालों में से तो कोई होगा नहीं, बस अपने मोहल्ले वालों को बुला लेंगे। मगर रेशमा बहन, तूने अच्छी तरह से तसल्ली कर ली है ना? अरे दीनू भाई, तुम तो बहुत वैनी हो। जाओ जाओ, तुम तो खुश नसीब हो, तुम्हें इतना अच्छा दामाद मिल गया। दामाद मिल गया है? अल्लाह नसीब अच्छे करे मेरी लाडली के, अल्लाह नसीब अच्छे करे। क्या हुआ लाडली बेटी? अरे इसे क्यों तोड़ दिया? बस तोड़ दिया, इसे टूट ही जाना चाहिए था बाबा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे बिंदिया, ये दुल्हन बेगम अब तक? जी दुल्हन बेगम की चाबी मेरे पास कम वक्त, हर बात में चाबी ढूंढती है। मैं तेरी सारी चाबियां दरिया में फेंकवा दूं। जी आप ही के घर की चाबियां हैं, न जाने किसकी कब जरूरत पड़ जाए। आपने खुद ही तो कहा था कि हर वक्त अपने साथ रखा करो। साथ रखने को कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि 2000 चाबियां कमर से बांधे हर बात में चाबी लगाए। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। भाई ये क्या बेहूदगी और बदतमीजी है? आप लोगों को मैनर्स और एटिकेट्स का भी पता नहीं? प्लीज डोंट स्पीक सो लाउड। दुल्हन, न सलाम न आदाब, उल्टा इतराज कर रही हो मेरी गुफ्तगू पर, और ये बदतमीज लिबास पहनकर दूर हो जा मेरी नजरों से। आई विल सी यू ओल्ड मदर इन लॉ, यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ डेट। बेअदब गुस्ताख, बदतमीज बेहुदा बिंदिया। जी बदतमीजी और बेहुदगी की चाबी तो दुल्हन बेगम के पास है। खानदानी लोगों की बेटी है, कोई मामूली मलन तो नहीं है भाभी जान। बात तुम्हें पार्टनर हूँ और ना शादी को फिर है लैला, तुम्हें शायद मियां बीवी के रिश्ते की अहमियत का अंदाजा नहीं है। तो मुझे अपना कंसेप्शन बता दो, मैं अभी 25 हूँ ना। जो रिश्ता दो इंसानों को जिंदगी भर का साथी बना देता है वह सबसे मजबूत रिश्ता भी है और सबसे कमजोर उस वक्त हो जाता है जब मियां बीवी दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान न सके। तुम मुझे अपने घर में मेरी पोजीशन बताओ, मैं क्या हूँ? A doll or a puppet? तुम जो भी हो सो हो, लेकिन मैं तुम्हारा शोहर हूं नैला, और अम्मी जान इस घर का वो सतून है जिससे टकराने वाला हमेशा पाश पाश हो गया है। तुमने उनके सामने गुस्ताखी करके अच्छा नहीं किया। What?
मैंने बुरा किया? नाइन o'clock early in the morning she was shouting, और तुम कहते हो मैंने बुरा किया? मिस्टर, अभी मैंने तुम्हारी मम्मी को कंसेशन दी है, मैं जा रही हूँ, आई एम लीविंग फॉर गुड। जब तुम्हारी मम्मी का दिमाग मॉडर्न हो जाए तो मुझे बुलवा लेना, ड्राइवर मेरा सामान ले आएगा। नायरा, क्या है? इस घर की दहलीज पार करने से पहले इतना सोच लो कि तुम्हें लेने कोई नहीं आएगा। आई डोंट माइंड। तुमने वहां से आकर अच्छा नहीं किया नायरा, लौट जाओ फौरन। इम्पॉसिबल मम्मी, उस बुढ़िया को दुल्हन की नहीं नौकरानी की जरूरत है, एक बेजान खिलौने की, अप्पा पेट जो उसके इशारे पर ना सके। जिसे तुमने बुढ़िया कहा है वो तुम्हारे शौहर की माँ है, और शौहर औरत का सिर्फ सुहाग ही नहीं मिजाजी खुदा भी होता है। I don't believe in such type of खुदा। शौहर औरत का सुहाग ही नहीं मिजाजी खुदा होता है बेटी। आसमान पर खुदा और जमीन पर शौहर, बस आज से तुम मेरी कोई बात नहीं माननी होगी। तुझे खामन की हर बात माननी है, उसकी हर खुशियों का ख्याल रखना है मेरी डार्लिंग। बस खामिद को तुझसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आज तेरे बाप की सारी आरज़ूएं पूरी हो गई हैं बेटी। तू दुल्हन बन गई है तो यूं लगता है कि इस दुनिया का कोई बाप दुखी नहीं रहा। बारात आ गई है, ये शहनाइयां मेरी डार्लिंग की बारात की है। इस घर में शहनाइयों की आवाज ने घर की बुनियादों को हिला दिया है। भाभी जान का इंतखाब भाभी जान से टकरा गया है। दोनों में जीतेगा कौन? पुरानी तहजीब या नई और खोखली तहजीब? रेशमा कहती थी तू चांद है, फूल है, मगर तुझे देखकर मुझे ये महसूस होता है कि तू शराब की वो बोतल है जिसे देखकर जमील जैसे कड़क शराबी को भी नशा हो गया है। लाडली, तू बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत है। बस मेरा काम बन गया। आसमान पर खुदा और जमीन पर शौहर, बस आज से तुम मेरी कोई बात नहीं माननी होगी। तुझे खामन की हर बात माननी है, उसकी हर खुशियों का ख्याल रखना है मेरी डार्लिंग। उसकी बेहूदगी और बदतमीजी ने उनकी यह हालत कर दी है डॉक्टर साहब। इतने दिनों से बीमार पड़ी हैं, ना कुछ खाती हैं, प्लीज इन्हें कुछ समझाएं। उस हादसे को भूल कर आप अपनी सेहत का ख्याल रखें बेगम साहिबा। बात सेहत की नहीं है, वकार की है डॉक्टर साहब। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहू मेरे तस्वीर से इतनी मुख्तलिफ होगी। ये ले जमील सेठ, और रकम लगा ले, कहीं तेरे दिल में हसरत ना रह जाए। अबे हसरत के कुछ लगते दाना बैंक। ऐ राजा नल, तेरा ही आसरा, मेरी जेब हरी कर दे हरी। वो छक्का। अबे दम ले, अभी जमील के दम में बहुत दमखम बाकी है। ये देख ले बेटे, एक ही दाव में सारी हार पूरी कर लूंगा। ऐ राजा नल, मुझ गरीब की लाज रखना। वो छक्का। अबे ठहरो, अगर यहाँ से कोई भी उठा तो गर्दनें तोड़ दूंगा। मेरा नाम भी जमील है, जमील। अभी और रकम लेके आता हूँ, बस मेरा काम बन जाएगा। जी बाबा। अभी शादी को इतने दिन तो नहीं हुए और तू जेवर के बगैर है, क्या बात है? कोई बात नहीं बाबा। तेरे खाली हाथ और कान, तेरा जेवर कहाँ है?
मैला हो गया था, जमील धुलवाने ले गया है। कब? आज सुबह। और तूने उसे जेवर देते वक्त? उसकी बात मानने के लिए तुझसे पूछना जरूरी भी तो नहीं था बाबा। तूने ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया है। बेटा बनाया है तो मेरा खर्चा भी पूरा करना। ला 500 रुपए। 500 रुपए? 500 रुपए कहां से ला? मुझे नहीं मालूम, भीख मांग, चोरी कर या जेब काट किसी की। घर दमाद बनाया है तो मेरा खर्चा पूरा करना भी तेरी जिम्मेदारी है। निकाल 500 रुपए। मेरे पास सिर्फ 40-50 रुपए है बेटी, वो ले लो। 40-50 से मेरा कुछ नहीं बनेगा बुड्ढे, तू झूठ बकता है। निकाल बच्चे की चाबियां। तेरी ये रोली सूरत और चीखा ही मेरी हार का सबब बनी। मेरा काम बन गया। चुप हो जा मेरी लाडली, चुप हो जा, मैं तुझे और देवर ला दूंगा। मुझे देवर नहीं चाहिए बाबा, उसने तुझे मारा है। उसने नहीं, मुझे तकदीर से मारा है बेटे, और बेटियों वालों को तकदीर अक्सर मारा करती है, अक्सर मारा करती है। ये कोई नई बात नहीं बेटे, ये कोई नई बात नहीं मेरे बेटे। किस जुर्म का बदला लिया है रेशमा बहन? अपनी फूल सी बच्ची का कुमलाया हुआ चेहरा देखकर मेरा दिल करता है। तूने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। अरे शोर मचाने से फायदा, कहो तो उससे तलाक दिलवा दूं। तलाक? हाँ, पर तेरी बेटी के नाम बट्टा लगेगा, उसका कुछ नहीं जाएगा। नहीं नहीं, मेरी लाडली को तलाक क्यों दिलवाओगे? लोग बातें करेंगे। ऐसा मत कहो रेशमा, ऐसा मत कहो। तो फिर चुपचाप बात काटो और दामाद के नेक होने की दुआएं मांगो। ओ मालिश कराई जा, चुप करके। तू मालिश कराई जा, चुप करके। तू मालिश दिन रात हवा सिंगार किए जाती है, ना जाने इस लड़की का क्या बनेगा जो तुम्हारा बन रहा है। दिन रात की मालिश से मेरे चाची बेचारे के हाथ टूट गए हैं। और ऐसा चिकना बदन तुम्हारी चाची का के मजाले चिकनाई का पता भी चल सके, वरना तब तो चिकनी हांडी बन गई होती। क्या तूने सुना? बची घंटी आया मोटा, कभी कभी खड़ी रहती है, तुझे तो पीड़ी लगी रहती है। फिर घंटी, अरे ये दूसरी है बेगैर। तुम्हारी घंटी बची है भैंस की बच्चे। अबे कौन है तू, क्या लाया है? ये आपका कराची सितारा है। अरे मेरे जुम्मन का होगा, उसने अपने आने की खबर की, जरा पढ़ के बताइए भैया। अरे चुप कर खम्बक, चल चल मत कर। ये जुम्मन का खत नहीं, शायद कोई हमारा बाउंडर निकला है। कितने का है, कितने का? ये जरा पढ़ के सुनाना भाई, ये कितने का बाउंडर निकला है। जुम्मन कराची में मर गया। हाय, जुम्मन मर गया? हाँ बेगम, जुम्मन मर गया। जुम्मन, अबे ओ फुम्मन, ये क्या खबर सुना रही तूने बेगम? जुम्मन मर गया, स्टैचू जो हो गई है, जुम्मन मर गया। मेरी संदूक ले गया।
रहा था। मैंने मारा है, मैंने उसकी जिंदगी में मौत का खमीर डाल दिया। क्या मतलब? वो फिल्मी डाकिया था, मैंने उसे 10 रुपए दे के ये सारा ड्रामा किया। हाय अल्लाह, अब तो फिर जाती जाते गए कराची। डर नहीं पहरेदार का, अब वादा कर ले प्यार का। चाचा चाची गए कराची, डर नहीं चौकीदार का। चाचा चाची गए कराची, डर नहीं चौकीदार का, बाबा दा कर ले प्यार का। दफ्तर से भी छुट्टी है और दिन भी है इतवार का, बाबा दा कर ले प्यार का। चाचा चाची गए कराची, डर नहीं चौकीदार का, बाबा दा कर ले प्यार का। चाचा चाची आ गए कराची। दिलों की बंद कली खिलने का मौसम आया है। कितने जुदाई का गम सहकर मिलने का मौसम आया है। आज दिलों की बंद कली खिलने का मौसम आया है। पहली बार करीब से मैंने चेहरा देखा यार का, आवादा कर ले प्यार का। चाचा चाची गए कराची, डर नहीं चौकीदार का, कर ले प्यार का। चाचा चाची हा 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 गए कराची। सतेदा मुखड़ा है, मुखड़े का रंग गुलाबी है। तेरे दिल के कमरे की अब मेरे हाथ में चाबी है। चांद सतेदा मुखड़ा है, मुखड़े का रंग गुलाबी है। तेरे दिल के कमरे की अब मेरे हाथ में चाबी है। मैं तो हमेशा खादिम बन के रहूंगा अब सरकार का, आप आता कर ले प्यार का। चाचा चाची गए कराची, डर नहीं चौकीदार का, आप आता कर ले प्यार का। चाचा चाची हा 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 गए कराची। चाची मर जाए तो कुछ बात बने। रोजाना हम दोनों यूं ही लहराए तो कुछ बात बने। तेरा चाचा और चाची मर जाए तो कुछ बात बने। तोड़ना होगा हमको पहरा खौफ की इस तलवार का, आवाज़ा कर ले प्यार का। चाची गई कराची, डर नहीं चौकीदार। दफ्तर से भी छुट्टी है और दिन भी है इतवार का, आवादा कर ले प्यार का। चाचा चाची हा 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 गए कराची।
के बच्चे ही क्या चक्कर चला रहा था? मिर्जा पकड़ो इसे। मेरा जुम्मन है। हाँ, मेरा जुम्मन मरा नहीं था। इस मगरमच्छ को मार कर दम लेगा। हमारी गाड़ी जाने से पहले जुम्मन की गाड़ी आ गई थी लड़की। अरे ये तीरा फुरमुजू तुम्हारा भतीजा, मेरा तो ख्याल था इसकी गाड़ी लेट हो जाएगी। मेरा भी लेट। अबे अन्नम लेट, मलिया मेट, आमलेट पर तुम्हारी गाड़ी होगी। बिल्डोजर के बच्चे, तुमने मेरी सिर्फ हाथ डाला है। अबे कहाँ डाला है? आपकी तबीयत पहले से कुछ बेहतर है भाभी? जी हाँ, कुछ ठीक है। नासिर बेटे, अम्मी को कहीं बाहर घुमाने ले जाओ, जगह बदलने से दिल भी बहल जाता है। इस घर पर जो सिलसिला टूटा है वो किसी के बहलाने से ठीक नहीं होगा अमजद भाई। अगर आप बुरा ना माने और इजाजत दें तो मैं दुल्हन बेगम को ले आऊं। नहीं नहीं, उसे कोई लेने नहीं जाएगा। सूरत ठीक हो गई अपने घर आकर, वरना उस बोर घर में तो मेरी बुरी हालत हो गई थी। रोजी एकदम बंडल है वो लोग, दे आर होपलेस। वो लोग तो होपलेस हैं, लेकिन तुम ये बताओ कि खाने की बजाय अचार क्यों खा रही हो? मेरा ख्याल है यू आर एक्सपेक्टिंग। व्हाट? आई एम सॉरी नैला, तुमको बेबी आने वाला है। बेबी आने वाला है? उस दखियन, उस फैमिली का बेबी। रोजी उन्हें फोन कर दो, मेरा मेटर्निटी बिल 20,000 रुपए भिजवा दे, वरना मैं DIC करवा लूंगी। गुड आइडिया। हेलो, मैं अमजद बोल रहा हूँ। और मैं रोजी बोल रही हूँ। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि नायला को बेबी आने वाला है, उसका मेटर्निटी बिल 20,000 भिजवा दे, वरना घर का वारिस पैदा होने वाला है। मैं दादी बनूंगी। अमजद भाई, मैं दुल्हन को भी लेने जा रही हूँ। अम्मी जान दो। तुम चुप रहो नासिर, आज कानून और इखलाक की सब हदें टूट गई है। हमारा गुस्सा रेत की दीवार की तरह रेजा रेजा हो गया है। मैं दुल्हन को लेने जाऊंगी नासिर, मैं अपनी दुल्हन को लेने जाऊंगी। मैं तुम्हें लेने आई हूँ दुल्हन, अगर तुम किसी बात पर मुझसे नाराज हो तो मुझे माफ कर दो। आप क्या गजब करती हैं बहन, हम आपसे माफ मांगते हैं। यू कीप क्वाइट मम्मी, ये हमारा पर्सनल मामला है। आप चुप रहें सफिया बहन, मुझे हर हाल में अपनी दुल्हन को लेकर जाना है। लुक मदर इन लॉ, मेरे कम बैक की कुछ कंडीशन होंगी, बिल्कुल सिंपल सी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है दुल्हन। नंबर 1, मुझ पर कोई रोक टोक नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। घर में शोर नहीं होगा, मुझे 12 बजे से पहले कोई नहीं जगाएगा। किसकी मजाल है जो तुझे 12 बजे से पहले उठाए? बिल्कुल अमेरिकन सिस्टम होगा, मुझे पूरी आजादी होगी, यानी घूमने फिरने की। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तुम घर तो चलो दुल्हन। ओके मम्मी, बाय। चलो खुदा। पोता हुआ। पोता हुआ है? अरे मैं दादी बन गई, मैं दादी बन गई। चांद की सलामती की मुबारक हो तुझे। बेटी हजूर का सलाम होती है लाडली। इसका बाप कहाँ है? बाप इसका काम से। तुझे मुबारक हो, तू नाना बन गया है दीनू। मैं नाना बन गया हूँ, मगर तुझे देने के लिए पैसे नहीं है बहन। कोई बात नहीं, कल परसों ले लूंगी। अच्छा, पैसे निकाल बुढ़े। पैसे होते हैं तो दाई को राजी ना करता। तेरे घर बेटी हुई है जमीन। बेटी हुई है तो मैं क्या करूं? मुझे पैसे चाहिए। मैं तो हार गया हूँ। दाव तो क्या हार गया है? दाव तो मैं हार गया हूँ, और ऊपर से एक दाव और लगाने लगा है। अरे अब तो औलाद वाला हो गया है, अब तो सुधर जा जबीर। मुझे सुधारने की बजाय पैसे दे बुढ़े, पैसे। मैं जोरी हूँ, मुझे औलाद नहीं, पैसे चाहिए, पैसे। बाबा, बाबा। अरे मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा, मेरा लाड। चुप हो जा बेटे, चुप हो जा। पूरे 500 रुपए इनाम लूंगी बेगम साहिबा, पूरे 500। तू
देख तो सही, हजारों लुटा दूंगी। नौकरों को इतना सर पर मत चढ़ाए मदर इन लॉ, इससे बड़ी खुशी का दिन और क्या होगा बहू। ये देखो मुन्ना रो रहा है, इसे दूध पिलाओ। व्हाट, मैं इसे दूध पिलाऊं? मेरा फिगर खराब हो जाएगा। क्या कहती हूँ नैला, तुम्हारा मतलब औरत का फिगर औलाद से ज्यादा कीमती होता है? बिल्कुल होता है। अगर इन्होंने एग्रीमेंट के खिलाफ ज्यादा रोक टोक शुरू की तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। सास और बहू का क्या झगड़ा हो रहा है? बहू मुन्नी को दूध पिलाने से इनकार कर रही है, आप इसे कुछ समझाएं डॉक्टर। ये मुझे क्या समझाएंगी, ये डॉक्टर हैं, ये मेरे पर्सनल मामले में दखल नहीं दे सकती। अब क्या होगा डॉक्टर? आप मुन्ने को ग्लेक्सोफीड या गाय का दूध दें। अल्लाह, अरे चुप कर जा मेरे बच्चे, अरे चुप कर जा मेरे लाल, क्यों रो रो कर हलकान हो रहा है? ये ले, मुझे ये बेटा, ये मेरे बच्चे। अरे बिंदिया जाओ डब्बे वाला दूध लेकर आ। वही तो है बेगम साहब। अल्लाह ये भी नहीं पीता, क्यों रो रहा है? चुप कर जा। अरे जा वो गाय का दूध लेकर आ। जी वो गाय की चाबी तो यहाँ से ला सकती है, जा दूध लेकर आ गाय की चाबी। मुन्ने बेटे इतनी जिद नहीं करते, क्यों दादी अम्मा को परेशान कर रहे हो? चुप कर जा बेटा, ज्यादा रोता है बेटा, किसी डॉक्टर को मिलवा लो। अरे बेटे इसे दूध तो पिला लूं, सुबह से एक बूंद तक नहीं गई इसके पेट में। अरे मेरे लाल, अरे जल्दी से ले आ बिंदिया, ये लीजिए गाय वाला दूध। आला ये ले बेटा, ये ले बेटा, ये ले पी ले। या अल्लाह ये भी नहीं पिएगा, मैं क्या करूं? हाय दादी सबकी दादी वारी, अरे इसे तो बुखार है। जा बेटे जा नासर, जाकर लेडी डॉक्टर को फोन कर जिसने ये उलट पुलट दूध पिलाने का मशवरा दिया था। जी बहुत अच्छा। चुप कर जा बेटा, अल्लाह चुप कर जा ना। बच्चे को ये दूध हजम नहीं हो सकता और माँ दूध देने पर राजी नहीं है। क्या हुआ डॉक्टर? मुझे कुछ समझ नहीं आती, बस एक सूरत है। कौन सी सूरत? बच्चे को किसी और औरत के दूध पर डाल दिया जाए। किसी और औरत के दूध पर? जी हाँ, इसके सिवा कोई चारा नहीं, लेकिन उस औरत के बच्चे की उम्र इसी के बराबर है, क्योंकि दूध की कुदरती तासीर बच्चे की उम्र के मुताबिक बदलती रहती है। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। लेकिन ऐसी औरत आएगी कहाँ से? बेगम साहिबा मेरे पड़ोस में गवालों के बिल्कुल सामने एक गरीब लड़की रहती है, उसके यहाँ भी उसी दिन बच्चा पैदा हुआ जिस दिन मुन्ना हुआ था। तेरा मतलब है हमारा पोता किसी गरीब औरत का दूध पिएगा? कोई अमीर औरत अपने दूध की कुर्बानी नहीं देगी भाभी, आपको शायद मालूम नहीं, बात दूध की नहीं एक माँ की ममता को खरीदने की है। क्या खबर वो भी इनकार कर दे? वो भी इनकार कर देगी? नहीं नहीं विंध्या, चलो मेरे साथ, मैं लोगों से अभी जाकर बात करती हूँ। जल्दी से पैसे निकाल बुड्ढे। तेरे दुखों ने ये हाल तो कर दिया बेटे, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे दे, अगर पैसे नहीं देगा तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। क्यों मारता है जालिम, मेरे बाबा ने तेरा क्या बिगाड़ा? तुझे पैसे कहाँ से ला के दे? घर में खाने को कुछ नहीं है, तू पैसे मांगता है। तू घर बैठे क्या करती रहती है? जा कहीं जाकर नौकरी कर या इस बुड्ढे का धंधा संभाल, बस मेरा काम बन जाएगा। कौन है बे? वो सामने बड़ी हवेली वाली बेगम साहिबा हैं। क्या बात है? वो बात तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम एक मुसीबत में मुब्तला है। तुम्हारे यहाँ कुछ रोज पहले एक बच्चा हुआ था ना? हाँ हुआ था, और भूख के मारे मर जाएगा। खुदा ना करे, अल्लाह इसे जिंदगी दे, मैं तो इस बच्चे के हिस्से का दूध खरीदने आई हूँ। बाबा क्या मतलब? मेरे पोते को कोई भी दूध हजम नहीं होता, डॉक्टर ने कहा है उसे उसे किसी के दूध पर डाल दें। तुम मेरे पोते को अपने दूध पर डाल लो बेटी, तुम जितनी चाहोगी रकम दे। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तुम रकम दोगी बेगम साहिबा? हाँ बेटे, 400-500 हजार जो तुम कहोगे। अगर तुम इतनी रकम दोगी तो ये तुम्हारे पोते को अपने दूध पर कैसे नहीं डालेगा? लेकिन मेरी बच्ची। क्यों इतना जुल्म कर रहा है जमील? चंद्र पांव के लिए तू अपनी औलाद का हक दूसरों के पास बेच रहा है, ऐसा नहीं हो सकता बेगम साहिबा, आप भी तो साहिब औलाद है। तू चुप कर बुड्ढे, जो रकम बेगम साहिबा देंगी उस रकम से बाजार से दूध आ जाएगा। जाइए बेगम साहिबा, अपने बच्चे को ले आइए। बच्चा यहाँ नहीं आएगा, इनको वहाँ जाना पड़ेगा सुबह से रात तक, और मेरी बच्ची सुबह से लेकर रात तक माँ की मात और प्यार के लिए तरसती रहेगी। तू बकवास बंद कर लाडली, तेरी बच्ची भूख से मर जाए तो अच्छा है।
जाइए बेगम साहिबा, मैं इसे लेकर आता हूं। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी तो ये चाकू तेरी बच्ची के सीने के पार उतार दूंगा। रुक जा सालिम, कोई बाप अपने औलाद पर इतना जुल्म तो नहीं तोड़ता। हट जा कुत्ते। नहीं नहीं जबी, मैं अपनी ममता भेज दूंगी, तुम्हारी खुशी की खातिर इस आग से भी गुजर जाऊंगी। तो फिर चल मेरे साथ। महीना खत्म होने के बाद मैं अपनी रकम ले जाऊंगा, बस मेरा काम बन जाएगा। हमारे दुखों का इलाज बनकर आ गई हो बेटी, तो लो मुन्ने मियां को संभालो। लो बेटी, हमारे खानदान का चश्मो चराग अब तुम्हारे हवाले है। ये मेरा बच्चा किस औरत के हवाले किया जा रहा है? ये मुन्ने मियां को दूध पिलाएगी। ओह आई सी, ये मुन्ने मियां की गाय है। वैसे इंसान जानवरों से बदतर होते हैं दुल्हन बेगम। बेहतर हो या बदतर, लेकिन ये डर्टी औरत मेरे मुन्ने को दूध नहीं पिला सकती। पहले इसका हुलिया दुरुस्त किया जाए। अच्छा लिबास और अच्छी खुराक इसके लिए बहुत जरूरी है। इस खानदान पर इतना बड़ा एहसान किया है तो दुल्हन बेगम की बातों का बुरा ना मानना बेटी। What एहसान? We have paid for the milk, बाजार से नहीं मिला, इस औरत से मिल गया। हर बात को अपने अंदाज में सोचा को नैला। और क्या तुम्हारे अंदाज में सोचू? तुम जो आज तक अपनी बीवी के मॉडर्न जज्बात को नहीं समझ सके। तुम दुल्हन की बातों पर मत जाना बेटी, ये कभी मत सोचना मैंने तुम्हारी ममता का सौदा किया है। ये नन्ना सा खिलौना हमारे खानदान का चश्मा चराग है, इसे हर हाल में रोशन रखना मेरी आरजू है। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, इनकार न करना बेटी। बहुत इल्तिजा और कैसी मिन्नत, हमने इसको इसके दूध की कीमत अदा कर दी है, और जिस दिन इसने अपने बच्चे को दूध पिलाया उस दिन हम इसे सख्त सजा देंगे। बिंदिया जी बड़ा सर, जाओ लाडली के लिए अच्छे कपड़ों का इंतजाम करो, कहीं दुल्हन का यह तरह सारा खेल ना बिगाड़ दे। अबे सोने, देख क्या हो रहा है। क्या बात है? ओ बछड़ा दूध पी रहा है, छुड़ा ले इसे। दूध ही पी रहा है, फिर क्या हुआ? अरे नादान, सारा दूध ये पी गया तो तू क्या बेचेगा? बेचने को बहुत बच जाएगा जमील भैया, माँ का दूध पीने से बछड़े को कौन रोक सकता है? आखिर इसका भी तो माँ पर हक है ना, इससे दूध पीने की इजाजत ना थी तो गाय दूध नहीं देगी। तू सुना कैसे आया है? दूध लेने आया हूँ, ला एक पाव दूध दे। अरे क्या हुआ, जीनू बाबा के घर से पहली बार दूध का सवाल आया है? बस ऐसा ही चक्कर है प्यारे, तू दूध डाल बर्तन में ले। वैसे मैं तेरी जगह होता ना तो बछड़े के हिस्से का दूध भी बेच देता। तू बेच सकता है प्यारे, दारू पीता है ना, सब काम कर सकता है। ये ना दूध निकाल, पैसे दूध के पैसे दूध पर उठ रहे हैं, ले बस अपना काम बन गया। पी ले मेरी लाडली, पी ले मेरी लाली, माँ के दूध का तो सौदा हो गया, तेरे नसीबों में यही दूध लिखा है। पी ले मेरी मुन्नी, पी ले मेरी लाडली, तेरे नसीबों में। यार नसीबों का रोना लेकर बैठा है, ज्यादा बातें बनाएगा तो कल से मैं गाय का दूध भी बंद कर दूंगा। नहीं नहीं, ये हजम मत करना, मेरी लाडली की बेटी मर जाएगी, मर जाएगी। खाओ, खाती क्यों नहीं, अच्छी खुराक खाने से अच्छा दूध पैदा होगा।
खाओ। ये सब कुछ इसे इस अंदाज से तो ना खिलाओ कि ये इसके लिए जहर बन जाए। आपका मतलब है मैं इसे अपने बेटे के लिए जहर खिलाऊंगी? ये मेरे बेटे की आया है, आप इसके ज्यादा हमदर्द ना बने। बिल्कुल ठीक कहा दुल्हन ने। दुल्हन जैसी हमदर्द माए जिन बच्चों को नसीब ना हो वो मर जाते हैं। आप पहले अपने आप से हमदर्दी करते हुए अपनी टांगों का इलाज करवाइए, मेरे मामलात में दखल देने की कोशिश न कीजिए। तो मैं इस वक्त अपने बच्चे को छोड़कर कहाँ जा रही हूँ लैला? क्या अपने ये अंदाज बदल लो लैला, वरना वरना क्या होगा? तुम्हारी माँ मुझे हर किस्म की आजादी देकर इस घर में लाई थी। आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन, यू अंडरस्टैंड? ओह माय डार्लिंग रोजी, तुमने लैला की बेवफाई के जख्मों का इलाज इस तरह से किया है कि मुझे दिन ब दिन तुमसे मोहब्बत होती जा रही है। बड़े स्वीट हो तुम, महबूबा बदलने वाले लोग बड़े मॉडर्न होते हैं। हेलो नायला। अरे नायला, तुम और इतने दिनों बाद, मुझे यूं लगता है जैसे सारा क्लब घूम गया। तुम भी तो घूमकर रोजी तक आ गए। अब डोंट बाय जस्ट अ चांस। अच्छा ये बताओ तुम्हारी शादी कैसी चल रही है? एकदम पूर्ण। आजकल मैं बहुत अपसेट हूँ, विस्की मंगाओ। तीन स्कॉच ला। अपने मिस्टर से गड़बड़ है क्या, पसंद नहीं आया? नहीं है तो हैंडसम, स्मार्ट भी बहुत है, लेकिन न जाने क्यों माँ के हाथों खिलौना बना रहता है, कुछ बोलता ही नहीं। मुझे तो इस शादी ने बहुत अपसेट कर दिया है। वही लड़की है जिससे शादी करना चाहते थे? तब्दीस ने हमारे साथ बहुत भयानक मजाक किया है। वही लड़की इस घर में आ गई है इस घर के वारिस को बचाने के लिए, और ये उस लड़की का इस खानदान पर बहुत बड़ा एहसान होगा नासिर बेटे। आपका पोता सो गया है बेगम साहिबा, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा, मुझे घर जाने की इजाजत दे दीजिए, मेरे बच्चे भूख के मारे बिलख बिलख कर मर जाएगी। लाडली, मैं जाने किस हौसले से जुल्म को बर्दाश्त कर रही हूँ। इससे पहले कि दुल्हन आ जाए, जाओ तुम फौरन अपने घर से। हुआ मुन्ना सो गया है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। जाओ लाडली। तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? अपने घर। बड़ी बेगम साहिबा ने इजाजत दे दी है। बड़ी बेगम कौन होती है इजाजत देने वाली? दुल्हन। दुल्हन का फैसला है कि लड़की अपने घर में कदम नहीं रख सकती। आपने ये फैसला क्यों बदला? तुम घर में आने वाले कदमों की अहमियत क्या जानो लैला? तुम्हारे तो अपने कदम अजनबियों की तरह इस घर में आते हैं, इन कदमों को सिर्फ क्लब के फ्लोर की पहचान है। यू दखियानूस शोहर, क्लब में डांस करने नहीं जाते और घर में बैठे बातें बनाते हो। नासिर, मैं इस किस्म की रोकथोक बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये लड़की हरगिज अपने घर नहीं जा सकती। चलो मेरे साथ। औरत की इस बिगड़ी हुई तस्वीर को सुलझाइए भाभी जान, वरना कयामत आ जाएगी। हम सबको लाडली के एहसान को नहीं भूलना चाहिए। अगर ये लड़की नाराज होकर चली गई तो आपका पोता। ऐसा मत कहिए। ऐसा कहना पड़ता है भाभी जान। दुल्हन से कहिए अपना रवैया बदले। उसका तो रवैया ही मुझसे ठीक नहीं है जिमी। घर आते ही उसने मुझसे एक बेहूदगी और इनडिसेंसी का मुजाहरा किया है। मैं तो ना जाने किन रोटीन लोगों में फंस गई हूँ। तुम कल सुबह आना, फिर कुछ प्लान बनाएंगे। मैं तुम्हारे घर हूँ, अगर किसी ने एतराज किया तो? ओह नो, तुम्हें घर में कौन रोक सकता है? भाई तुम शादीशुदा औरत हो, अगर तुम्हारे खाविंद ने। ओह नो, वी लिव लाइक स्ट्रेंजर्स, बिल्कुल अलहदा अलहदा। लेकिन घर तो एक है ना? मुझे अपने घर पर पूरा इख्तियार है, बस तुम आ जाओ कल सुबह। अच्छा अच्छा, कल सुबह नहीं, फिर किसी दिन आऊंगा। इस घर पर तो कयामत टूटी हुई है लाडली, लेकिन इससे कहीं बड़ी कयामत तुम पर तोड़ी गई है। मैं जानता हूं तकदीर ने तुम्हें दुखों के भवन में डाल दिया है,
बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुन्ना रो रहा है। इस घर में सिर्फ मुन्ना ही नहीं, कोई और भी रो रहा है। नोट और आइंदा जमील सेठ को उधार देते वक्त घबराया ना कर। तू जब कहे और मैं जब चाहूं तुझे हजारों दे सकता हूं। बस मेरा काम बन गया है, निकाले कद्दा। इतने सारे नोट कहां से मारे जमील सेठ? क्या कोई वारदात की है? अरे पगले, वारदात नहीं, दूध बेचा है दूध। माँ का दूध नसीब नहीं, इसलिए बीमार हो गई है हकीम साहब। तो इसकी माए से दूध क्यों नहीं पिलाती? वो कहीं मुलाजिम है और बच्चे को दूध पिलाने की इजाजत नहीं है। कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि ये नन्ही से जान माँ के दूध के बगैर ठीक हो जाए। अच्छा ये दवा दे दे, मगर असर कुछ नहीं होगा। बच्ची की माँ से कहो कि मुलाजमत छोड़ दे और इसे अपना दूध पिलाए, वरना मर जाएगी बच्ची। नहीं नहीं, आज मैं लाडली से कह दूंगा कि बच्ची को मारने के हालात तो पैदा ना करें। लाडली को बच्ची का ख्याल करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। बाबा इस बच्ची को नहीं बचा सकता, इसे माँ की जरूरत है लाडली, माँ की। मेरी बच्ची, लाडली। इस बदनसीब बच्ची के नसीब में माँ के दूध के चंद घूंट कर दीजिए बेगम साहबा, वरना मर जाएगी ये बच्ची। मेरी बेटी आपके पोते के लिए जिंदगी बनकर आई है, इस बच्ची के लिए आप मौत की बनना चाहती हैं? मेरी तरफ से इजाजत है, इजाजत है मेरी तरफ से। लाडली, तुम अपनी बच्ची को सिर्फ प्यार कर सकती हो, दूध नहीं पिला सकती। हमने तुम्हारे दूध की कीमत अदा कर दी है। इस जुल्म को रोक दीजिए बेगम साहबा, वरना मेरी बेटी आपकी नौकरी छोड़ देगी। क्या बकता है बुड्ढे? तू बेटी की नौकरी छुड़वाएगा तो मैं तुझसे तेरी दुनिया छुड़वा दूंगा। निकल जाए यहाँ से, वरना इन लोगों के सामने तेरी वो बेइज्जती करूंगा, वो बेइज्जती करूंगा। चला जा बाबा, खुदा के लिए चला जा, इस घर में अपनी बेइज्जती मत करवा। चला जा बाबा, तुझे मेरी कसम। इस बुड्ढे को यहाँ आने से रोकिए और ना ही लाडली को घर जाने की इजाजत दीजिए। घर जाएगी तो दूध की चोरी हो सकती है और मैं हूँ आदमी बड़ा ईमानदार, असूल का पक्का। लाइए मेरी 6 महीने की पेश की तनख्वाह 6,000 रुपए। बस मेरा काम बन जाएगा। गरीबी बेचकर उसूल खरीदता है और अमीर उसूल बेचकर गरीब को खरीदता है। किसी खरीदार का बंदोबस्त कर उस्ताद, कोई गाहक ढूंढ कर ला। गाहक तुम्हारे लिए? क्या बकता है मजदूर लड़की के लिए, किसी सेठ वगैरह को फांस कर ला। फांसने की क्या जरूरत है, जमील सेठ खुद ही आ गया है, खुद बगलम खुद। अबे ये क्या कह रहा है, तू सेठ कब से बन गया? बस अपना काम बन गया है, मेरे बराबर बैठता है, दीवाना तो नहीं हो गया? अरे दौलत इंसान को दीवाना, मस्ताना और ना जाने क्या कुछ बना देती है। मैं इस वक्त गाहक बनकर आया हूँ भाई जी, कोई सौदा वोदा है? सौदा ये मैं क्या देख रहा हूँ परवरदिगार आलम, अबे किसी गाहक को फांस कर लाया है या खुद ब खुद? अबे खुद ब खुद के बच्चे, जबान काबू में रख।
और दाम बता सौदे के दाम। अरे ये तो असली नोट है, कहाँ से चोरी करके लाए हो? चोरी नहीं, जीना जोरी की है, जीना जोरी। दूध बेचा है दूध। ले रख, बस अपना काम बन गया है।
मुन्ने को तुम्हारा प्यार न मिलता तो शायद मुन्ना मर जाता। अल्लाह ना करे। तुम्हारा प्यार जिंदगी है ना, और तुमसे दूरी मौत। ऐसी बातें ना कीजिए छोटे साहब। तुम इस बच्चों को क्या समझती हो लाडली? तुम में और मुन्ने में क्या रिश्ता है भला? माँ का रिश्ता। तुम इसके सब कुछ हो, माँ हो और मेरी कुछ भी नहीं। इससे बड़ा जुल्म तकदीर और क्या कर सकती है? तकदीर के जुल्म को भूलकर खुदारा मुझे घर जाने की इजाजत दे दीजिए, वरना मेरी मुन्नी मर जाएगी छोटे साहब। तुमने पहली बार हमसे कुछ मांगा है, जाओ लाडली अपने घर जाओ। बाखुदा तुम्हारी मुन्नी की जान बचाने के लिए हम अपने मुन्ने की जान भी कुर्बान करते। नहीं छोटे साहब, ऐसी बात मत कहिए। मैं आपका यही एहसान नहीं भूल सकती। आप मुन्ने मियाँ को बड़ी बेगम साहबा को दे दीजिएगा। इन माँ का बच्चा, जिस औलाद को माँ का दूध नसीब ना हो उसे दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। परवरदिगार इस बिन माँ की बच्ची को इस दुनिया से उठा ले। इसकी माँ गुर्बत का शिकार वो खत मर गई है। मेरी बच्ची लाडली फिर आ गई है, चली जा यहाँ से। नहीं जाएगी तो मैं तेरी बच्ची का गला खींचूंगा। नहीं नहीं जमी, नहीं, मैं अभी चली जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ। मेरे बच्ची पर ये जुल्म तो ना कर। मैं चली जाती हूँ। मिला ही हो अपनी बेटी से? हाँ मिला ही हो। फिर कुछ तो कलेजे में ठंडक पड़ी होगी। ठंडक कहाँ, आग भड़क उठी है बेगम साहिबा। आपकी मेहरबानियों ने लाडली के कलेजे में वो आग लगाई है जो कभी नहीं बुझ सकती, कभी नहीं बुझ सकती। मैंने भी ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया लाडली बेटी। तुम्हें क्या मालूम मेरे दिल पर क्या बीत रही है? देखो मुन्ना रो रहा है। मुन्ना रो रहा है लाडली? मेरी बेटी भी तो रो रही है बेगम साहिबा। इस वक्त मेरे कानों में आपके मुन्ने की रोने की आवाजें नहीं, अपनी मासूम बच्ची की चीखें सुनाई दे रही हैं। वो देखिए, वो बिलक बिलक कर माँ के लिए रो रही है। काश आप अपनी जरूरत लेकर मेरे दरवाजे पर लग गई होती, किसी और माँ की गोह सूनी हो जाती, लेकिन लाडली का कलेजा तो ठंडा है। लाडली बेटी अपनी दौलत के बलबूते पर लाडली के लालची शोहर से मेरी ममता का सौदा भी कर लिया है और मुझे बेटी भी कहती है। आप तो दौलतमंद है बेगम साहिबा, लाखों करोड़ों खर्च करके अपने पोते के लिए कोई और माँ खरीदती होती, कोई और कयामत तोड़नी होती। कयामत तो हम पर भी टूटी है लाडली। हमने तुम्हारी ममता पर जो जुल्म किया है हमें उसका पूरा पूरा एहसास है। एहसास है तो फिर मेरी गुर्बत का नीलाम क्यों उठाया आपने? क्यों बोले थी कलाश और गरीब ममता की, जिसके पास आपके पोते को लोरियां देने वाले ये हाथ तो है, लेकिन ये हाथ अपनी मासूम बच्चे के आंसू नहीं पहुंच सकते। आपका पोता तो मेरे सीने से लगकर चुप हो जाएगा, लेकिन ये बताइए मेरी बच्ची को कौन चुप कराएगा, कौन चुप कराएगा? आपको तो इस सौदे की पहचान है बेगम साहिबा। उस दुकान का पता बताइए जहाँ किराए की माँ बिकती है। लाडली अपना सब कुछ बेच कर एक किराए की माँ अपनी बच्ची के लिए भी खरीद लाएगी। जाओ लाडली, अपनी रोते हुए बच्ची को चुप कराओ, जाओ अपने घर चली जाओ। तुम्हारा मुन्ना रो रो कर मरता है तो मर जाने दो। जाओ लाडली घर चली जाओ, जाओ लाडली चली जाओ। Oh!
की कमजोरी बस सारी जायदाद पोते के नाम होगी। तलाक लेने से पहले बच्चे को काबू में करो। तुम उनके बच्चे में दिलचस्पी नहीं लेते। तुम ठीक कहते हो, मैं समझ गई। That's a good point।
इसीलिए वो लोग जानबूझकर बच्चे को मुझसे जुदा रखते हैं ताकि सारा मामला उन लोगों के हाथ में रहे। लेकिन मेरा नाम भी नायला है, आज के बाद बच्चे को मैं खुद पालूंगी। दुल्हन बेगम ने छोटे साहब को बहुत दुखी कर दिया है लाडली। सच मेरा दिल तो कई बार चाहा है कि किसी रात छोटी बेगम का गला दबा दूं ताकि छोटे साहब के दुखों का इलाज तो हो जाए। लेकिन तू मुझसे ऐसी बातें क्यों करती है? जाने मेरा दिल क्यों कहता है लाडली कि छोटे साहब के दिल की चाबी तेरे पास है। बिंदिया ये क्या बकबक कर रही हो तुम दोनों? जी कुछ नहीं दुल्हन बेगम, हम तो आपकी तारीफें कर रहे हैं। मैं सब जानती हूँ, इधर लाओ मेरा मुन्ना। मेरा बेटा ठीक हो गया है, अब इसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ पोते की खुशी में मेरे अरमानों को सौदा इस अंदाज में किया है बेजान कि जिंदगी जिल्लत का निशान बन गई है। दिन रात अपने किए पर पछता रही हूँ। सिर्फ पछतावा दुखों का इलाज नहीं है भाभी। दुल्हन बेगम को समझाइए कि इस खानदान की इज्जत क्लब की चार दीवारी में नीलाम तो न करे। मैं कहती हूँ चुप कर जा। तुम बच्चे को क्यों ले आई हो दुल्हन? आज से अपना बच्चा मैं खुद पालूंगी। ऐसा कहो कि आज के बाद तुम बच्चे को मारोगी दुल्हन। शायद नायला, नायला आप सब लोगों की चार को अच्छी तरह समझती है। आप लोग जानबूझकर मेरे बच्चे को मुझसे जुदा करना चाहते हैं और अब दुनिया की कोई ताकत मेरे बच्चे को मुझसे जुदा नहीं कर सकती। किसी दूसरी ताकत को ललकारने से पहले अपने दिल को टटोल कर देखो दुल्हन। इसमें ममता नाम की कोई चीज है जिसकी औलाद को जरूरत होती है, इसलिए आपने मेरी औलाद उस गलीज नौकरानी के हवाले कर दी थी। मैं कुछ नहीं जानती, आज से अपना बच्चा मैं खुद पालूंगी। अरे ये तो गंदा हो गया। बिंदिया जल्दी से गंदे बच्चे को साफ करो। इस गंदे बच्चे को कोई साफ नहीं करेगा, इसकी माँ साफ करेगी। बिंदिया इस गंदे बच्चे को इसकी माँ साफ करेगी। आप चाहती हैं मैं अपने हाथ गिलासत और गंदगी में डालूं? इस गंदे बच्चे को इसकी माँ साफ करेगी दुल्हन। चुप हो जा मेरे लाल, ना रो, चुप हो जा मेरी जान, चुप हो जा। तुम्हारे इस घर पर इतने एहसान है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। जिस एहसान की कीमत चुका दी जाए वो एहसान कहाँ रहता है छोटी सरकार? मुझे शर्मिंदा ना करो लाडली, इस दुनिया में सिर्फ ममता ही तो है जिसकी कोई कीमत नहीं। तुमने इस घर के वारिस के लिए अपनी ममता कुर्बान की है। नायला की ज्यादतियों को नजरअंदाज करके बंधे हाथों के तक ध्यान रखना। नहीं नहीं छोटे सरकार, हाथ बांध कर मुझे गुनाहगार ना कीजिए। गुनाहगार तो तुम्हारा मैं हूँ लाडली, और जी चाहता है अपने गुनाहों का जाला करने के लिए तुम्हारे कदमों में बैठा। छोटे सरकार नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए। मुन्ने को उन लोगों ने मुझसे छीन लिया मिस्टर जिम्मी, और प्रेजेंटली इसलिए भी अच्छा हुआ कि कमबख्त बच्चे ने मुझे गंदा कर दिया था। मैं सिर्फ क्लीन करने के डर से चुप रही, वरना नासिर के बच्चे को तो मैं वो मजा चखाती कि याद रखता। बच्चा वो ले गए और तुम सिर्फ पल खा रही। पल इसलिए खा रही हूँ कि मेरा बच्चलन शोहर आया से फ्लर्ट करता है। वो उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था और फाइनली उसके कदमों में गिर गया। अच्छा तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई? यस ऑफ कोर्स। तुम मुझे कल शाम लेने और जिमी मैस प्ले का ड्रॉप सीन देखना चाहती हूँ। ओके डार्लिंग, कल शाम जरूर आऊंगा। मेरा दिल तो हर वक्त लाडली पर होने वाले जुल्म पर कुटता रहता है अमजद भाई। तो फिर उसे घर जाने की इजाजत दे दीजिए। एक दफा नासिर ने इजाजत दी। देखो बिंदिया कौन है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तुम कौन हो बरखुरदार? जी जी मैं किस लिए आए? जी नायला से मिलने। कोई रिश्तेदार हो उसके? जी नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। दोस्त? जी
बाज दुश्मन इस लफ्ज को कितनी दीदा दलेरी से इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर जिमी, इससे पहले कि हम तुम्हें अपने घर से निकाल दें। हेलो जिमी। ओह, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लेट्स गो दुल्हन। यस, व्हाट डू यू से? कहाँ जा रही हो? हम में और तुम में कुछ ना पूछने का एग्रीमेंट हुआ था। वो एग्रीमेंट तबाही का एग्रीमेंट नहीं था दुल्हन। हम इस शरीफ घर में तुम्हारे दोस्तों का आना जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तो खुद तुम जैसे 1800 के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यू नो, मैं तो सिर्फ ड्रॉप सीन का इंतजार कर रही हूँ। कम ऑन जिमी, लेट्स गो। ड्रॉप सीन? ड्रॉप सीन डेथ सीन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। लाडले। जी छोटे साहब। हम तुम्हारी बच्ची पर टूटने वाले जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाओ, चली जाओ अभी और इसी वक्त। नहीं छोटे साहब, मुन्ने मियाँ। मुन्ने की मौत इस घर की दौड़ती हुई इज्जत और वकार को सहारा देगी। नहीं छोटे साहब, जाओ चली जाओ। हम तुम्हें हुक्म देते हैं, तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करते हैं। जाओ चली जाओ। जाओ लाडली, चली जाओ लाडली। अरे ये मुन्ना क्यों रो रहा है? जब इंडिया देख। नासिर, मुन्ना क्यों रो रहा है? लाडली कहाँ? लाडली को मैंने नौकरी से निकाल दिया मिजान। इसकी माँ कहाँ है? लग गई है अपने किसी दोस्त के साथ। रुक जाओ नासिर, कहाँ जा रही हो? आप चुप रहिए मिजान, आपके समझौते ने इस घर के वकार को खाक में मिला दिया है। नासिर, बाबा, बाबा, मैं आ गई हूँ बाबा, मैं उस कैद से आजाद हो गई हूँ बाबा। ऐसे आजाद हो गई है तू? तेरी बेटी भी जिंदगी की कैद से आजाद हो गई है लाडली। जिससे सकती रही, चीखती रही इस उम्मीद पर कि शायद माँ बेटी को सीने से लगाकर एक बार इस महरूम की आरज़ू को तस्कीन पहुंचा दे। तेरी बेटी माँ के लिए बिलख बिलख कर मर गई है लाडली, तेरी बेटी मर गई है। मेरी बेटी मर गई है। बदनसीब औलाद, ममता के लिए तड़प तड़प कर मर गई है, प्यासी मर गई है, मां के दूध के बगैर मर गई है। Thank you.
ये रोता हुआ बच्चा इस मॉडर्न तहजीब से अपनी मां वापस मांगता है। रक्स की महफिलों और उरियानी ने तुमसे तुम्हारा औरतपन तो छीन लिया है, लेकिन फर्श पर बिलबिलाते बच्चे को जवाब दो कि तुमने इसे अपनी कोख से जन्म देकर मां की ममता से क्यों महरूम कर दिया है। सिर्फ इसलिए किसके डैडी ने अपने घर में याशी के लिए एक मुलाजमा को रखा हुआ है, जिसके सामने हाथ जोड़े जाते हैं, जिसके पांव पर सर रखा जाता है। अपनी आवारगी की कालक मेरे चेहरे पर बलकर तुम सच्चाई की सूरत नहीं बिगाड़ सकती। अपनी औलाद को रोता हुआ छोड़कर गैर मर्दों की बाहों में झूलने वाली औरत मेरी बीवी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें तलाक देकर जिंदगी भर के लिए इस बहकी हुई तहजीब क्यों लेकर देना चाहता हूँ। मेरे घर की दहलीज पर कदम रखने की कोशिश मत करना नैला। मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी। मैं इस इंसान का इंतकाम जरूर लूंगी जिमी। एक मामूली सी मुलाजमा की खातिर मेरी बेइज्जती हुई है। मैं लाडली और नासिर दोनों को तबाह कर दूंगी। चलो मेरे साथ। नो नो लाला, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम्हारे खावन की आंखों से शोले दिखाई दे रहे थे। अरे भाई, उसे देखकर तो मुझे दहशत सी महसूस हुई है। डर गए? बुजदिल, बेवफा? बुजदिल नहीं, शरीफ आदमी। और जहां तक बेवफाई का ताल्लुक है वो तुमने भी की अपने खावन के साथ। जो औरत सिर्फ अपनी न्याशी के लिए अपनी औलाद तक को टुकरा दे वो दोस्ती के काबिल नहीं होती। खुद बहुत बड़ी चीज हो। बाय। तेरे दिल के किसी कोने में अगर मोहब्बत का जज्बा है तो मुझे खोल दे जालिम। मैं बदनसीब तो भी जी भर के अपनी बच्ची की कब्र से लिपट कर रो भी नहीं सके। इतना शर्म ना कर जमील, खुदा करिए मेरी बेटी को खोल दे वरना लाडली मर जाएगी। लाडली मर गई तो मेरी हजारों रुपयों की रकम डूब जाएगी। बुड्ढे, जिस रकम की लालच में तू मुझे अजियत दे रहा है वो तुझे नहीं मिल सकती। उन लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। निकाल दिया है तो फिर आएंगी, उनको तेरी फिर भी जरूरत पड़ेगी। और इस बार मैं उनसे ज्यादा दामों में सौदा करूंगा, इसलिए कि उनका पोता तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो नाई तो मुन्ना मर जाएगा, सिर्फ एक बार उसे बुला ले। अपनी जरूरत का गुलाम बनकर मैं एक मजबूर लड़की पर जुल्म नहीं कर सकता। अम्मी जान, अपने बेटे पर जुल्म कर सकता है तू? कैसा बाप है? सिर्फ एक बार लाडली के घर चला जा और उसे ले आ। तुझे मेरी कसम नासिर, तुझे मेरी कसम नासिर, लाडली को ले आ। इन सलाखों से सर टकरा कर मर जाऊंगी जालिम। खोल दे मुझे, औलाद की कब्र पर जाने से मां को कोई नहीं रोक सकता। खोल दे जमील, खुदा के कहर से डर, खुदा का अजाब नाजिल हो तो तू बर्बाद हो जाएगा। मैं तेरे खुदा के अजाब से नहीं डरता बुड्ढे, इसे उस वक्त तक नहीं खोलूंगा जब तक उस घर से कोई पैगाम नहीं आता। कौन है? मैं नासिर हूँ, मुन्ना बहुत बीमार है, मैं लाडली को लेने आया हूँ। आइए आइए सेठ साहब, मैं तो कब से आपके आने की आस लगाए बैठा। सिर्फ आपके काम के लिए कैद कर रखा था इसे, लेकिन इस बार 2000 रुपया महीना लूंगा। जल्दी चलो लाडली। 1000 के अविस, लाडली की बेटी कब्रिस्तान पहुंच गई है सेठ। अब क्या 2000 के अविस लाडली की मौत का पड़ा लेकर आए हो? लाडली की बेटी मर गई, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, ये बदनसीब बाप आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता है कि लाडली के सुहाग ने तो जुल्म तोड़ने की कसम खा रखी है, आप अपनी दौलत के बलबूते पर लाडली पर कायम से क्यों तोड़ रहे हैं? सेठ साहब, तीनों का कुल सरमाया तो ये औलाद रह गई है, जाइए इस बार किसी और गरीब की औलाद को लूट लीजिए। मेरी बेटी आपके घर में ही जाएगी। जाना चाहिए, मैं अपने दुख लेकर आपके सामने आ गया हूँ। तुम्हारी बेटी की बात का मुझे बहुत अफसोस हुआ है लाडली, बहुत ज्यादा। अरे खाली हाथ जा रहे हो से? इसे तुम्हारे लिए तो आजाद किया है, इसे भी अपने साथ लेकर जाओ। अपने दिल को इंसानियत के जज्बे से आशना करो जमील, औलाद की मौत ममता के लिए बहुत बड़ा सदमा है। इस उजड़ी हुई ममता को दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती।
जा चली जा लाडली, इस वक्त वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए 4000 भी दे देंगे, और फिर वो सेठ तुझे लेने भी आया था। वो सेठ अपने बच्चे की आया को नहीं, अपनी महबूबा को लेने आया था। अपनी जबान का लगाम दो बेगम साहिबा। तू चुप हो जा बेगैरत बुड्ढे, बेगम साहिबा ने कभी झूठ नहीं बोला। इसका मतलब है वो सेठ बच्चे को दूध पिलाने के बहाने वो तेरी इज्जत से खेलता रहा है। तेरी ये आवारा और बदचलन बीवी शादी से पहले मेरे शहर से मिलती रही है जमी। मुझे तो इसकी आवारगी का इस हद तक यकीन है कि मरने वाली इसकी बच्ची भी तुम्हारी नहीं, नासिर की थी। बेगम साहिबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बेगम साहिबा, मैं अपनी बेगैरत बीवी को आवारगी की वो सजा दूंगा कि ये जिंदा नहीं रहेगी। जिंदगी की बाजी तो बाबा की नसीहत पर हारती है, और ममता की बाजी तुम्हारी दौलत पर से हारती है। आपने लाडली की इज्जत पर तोहमत लगाकर जिस बेटे का शुबा जाहिर किया है वो तो मर गई है बेगम साहिबा, लेकिन लाडली आपके औलाद पर जुल्म नहीं होने देगी, इसलिए कि नासिर का मुन्ना मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे अपना दूध पिलाया है। रुक जाओ लाडली, तू मेरे जीते जी उस घर में नहीं जा सकती। बेटी की मौत ने लाडली के पाँव में बंधी जंजीर तोड़ दी है जमील। तू अपनी बीवी को तो रोक सकता है, एक माँ को नहीं रोक सकता। सुन, वो रोता हुआ मुन्ना मुझे बुला रहा है। औलाद की चीखें सुनकर तो माएं कब्र से लौट आया करती हैं, और तू समझता है मैं तेरी कैद से नहीं जा सकती। रास्ता रोककर दिखा जमील, तेरे खुद गर्ज हाथों में माँ की ममता से ज्यादा कुवत नहीं हो सकती। लाडली जमील, आज मिट्टी के खिलौने बनाने वाले हाथ तेरी जिंदगी का खात्मा कर देंगे। तूने मेरी बच्ची को मारा है, मैं तुझे ये क्या किया जमील? जिसे रोकना था वो तो मौके से फायदा उठाकर भाग गई है। आ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में ले चलती हूँ। आवाज ने जिस घर से औलाद छीन ली हो, मैं उस घर से अपने बेटे की जिंदगी मांग कर नहीं ला सकता। अम्मी जान, लाडली जहां नहीं आएगी, मुन्ना मरता है तुम बच जाए। नासिर, मैं नहीं जाऊंगा। अम्मी जान, मुझ में लाडली को वापस लाने की हिम्मत नहीं है। मैं इसे सुन नहीं कर सकता। जाएगा तो मैं खुद जाऊंगी। लाडली के कदमों में गिर कर उससे अपने बच्चे की जिंदगी की प्रीत मांग लूंगी। बेगम साहब, लाडली, लाडली बेटी, ये क्या हुआ तुम्हें? नासिर, जाओ फौरन किसी डॉक्टर को बुला कर ला। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है बेगम साहिबा, मुन्नी मियां को मुझे दे दीजिए। लाडली, मुन्नी मियां को मुझे दे दीजिए। बेगम साहिबा, देर मत कीजिए। माँ बेटे के इस मिलाप में दूध ने खून उबला है। We'll be right back.